हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग की, जो है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमने एक तार लिया अनंत लंबाई का और उसकी वजह से हमने विद्युत क्षेत्र निकाला दो हिस्सों में, पहले दिशा और फिर परिमाण। बिल्कुल उसकी कॉपी है ये मान लेना, काफी हद तक थोड़ा सा बदलाव आएगा। इसलिए अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहले वाला, तो आप कृपया पहले वो वाला लेक्चर देखें भाई। जब आपको तार ढंग से समझ में आ जाएगा तो ही आप प्लेट को समझ पाओगे। क्लियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग का नाम है, देखिए ध्यान से, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जैसा मैंने कल किया था बिल्कुल सेम तरीके से करने वाला हूं। सबसे पहले मुझे चालक प्लेट माननी है, चालक परत माननी है एक। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से ये मान लो, ऐसे मतलब प्लेट खड़ी है, ऐसी प्लेट है। तो भैया ऐसे तो चौक कैसे चलेगा बताओ, थोड़ा उसको तिरछा दिखाना होगा मुझे इस तरीके से, तो टेढ़ा सीधा, ये सीधी, इसको थोड़ा ऊपर ही रोक देना, इसकी बराबर मत लेके आना ताकि आप तिरछा कर पाओ ना, ऐसे इस तरीके से। समझ होंगे आप लोग, ये हमारी एक चालक प्लेट है। अब इस प्लेट का नाम दे दीजिए आप कुछ भी, ए बी सी डी, और कह देंगे कि अनंत विस्तार की प्लेट, बहुत अनंत तक एक प्लेट फैली हुई है, उसका छोटा हिस्सा है ए बी सी डी। कल भी मैंने ऐसा ही किया था, कल मैंने क्या किया था कि एक तार लिया था ए बी, याद करो, और तार के दोनों ओर मैंने डैश डैश लगा दिए थे कि भैया ये तार कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, प्लेट ले रहा हूं कि ए बी सी डी अनंत विस्तार की प्लेट का एक छोटा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी अनंत क्षेत्रफल की एक प्लेट है, उसका एक छोटा हिस्सा है ए बी सी डी। कल मैंने तार लिया था, आज प्लेट लिए, फिर मैंने कल उसको आवेश दिया और उसको आवेश देंगे। तो कल तो जो आवेश बटा वो लंबाई के अनुदिश था, रेखीय के कारण, लेकिन यह तो चालक प्लेट है और चालक पर तो आवेश का वितरण कैसे होगा, सतह पर, और प्लेट हो रही है। तो जब आप इसको क्यू आवेश दोगे तो वो क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने मान लिया, पहले तो माना एबीसीडी अनंत विस्तार की प्लेट का एक छोटा हिस्सा है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तो बच्चों आज मुझे यहां बात कौन से घनत्व की करनी होगी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, विचार कीजिए। तो चर्चा आज हम करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की, क्योंकि आवेश का जो वितरण है वो क्षेत्रफल के अनुदिश है। तो बच्चों मैं बात करूंगा सिग्मा की, सिग्मा बराबर आएगा क्यू अपॉन ए। कल जो वितरण था वो लंबाई के अनुदिश था, इसलिए आपने बात की थी लैम्ब्डा की, और आज जो वितरण है वो क्षेत्रफल के अनुदिश है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं सिग्मा की। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना ए बी सी डी अनंत विस्तार की प्लेट का एक छोटा हिस्सा है, इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, कोई मध्य बिंदु ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु का नाम दे दो ओ, आपको इसके मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी ले लीजिए आर, दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह बिल्कुल कल की तरह है। देखो बच्चों, कल मैंने इसे तार माना था, हल्का सा आपको याद दिला दूं, उसका नाम दिया था ए बी, और इस पर मैंने प्लस आवेश लिया था रेखीय में, और मध्य बिंदु ओ लिया था, यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट लिया था मैंने पी, बिल्कुल इसकी कॉपी है। आज तार ना लेकर क्या ले लिया मैंने, प्लेट। क्लियर? अब इसमें दो पॉइंट बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो
तो दिशा ज्ञात करने के लिए कल आपने इस तार पर दो अल्पांश लिए थे, याद कीजिए, एक ऊपर और एक नीचे, DL1 और DL2, ऐसा ही तो कोई था, आज भी बिल्कुल सेम। प्लेट पर मध्य बिंदु से ऊपर और जितना ऊपर उतना ही नीचे दो अल्पांश ले लिए। अब चूंकि आज अल्पांश क्षेत्रफल के ऊपर लिया जा रहा है, इसलिए इसका नाम होगा डी ए वन और इसका नाम होगा डी ए। कल लंबाई पर लिए थे तो लेंथ के टर्म में थे, आज क्षेत्रफल के लिए तो एक ही टर्म में है। ये जो अल्पांश है इसका विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा और इसका विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, क्लियर है? धक्का देंगे ना, क्योंकि ये डी ए वन है तो ये हो जाएगा डी ई वन, इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसका विद्युत क्षेत्र डी ई टू इधर हो जाएगा, जैसा कि आपने बिल्कुल तार में किया था, इसका इधर गया था और इसका विद्युत क्षेत्र कहां गया था? इधर। फिर आपने इसको घटकों में तोड़ा, सेम कहानी यहां पर। अच्छा, जो परिमाण डी वन का और डी टू का है वो बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों अल्पांशों पर आवेश बराबर है और दोनों अल्पांश बराबर दूरी पर है। फिर इन तीव्रताओं को घटकों में तोड़ूंगा तो ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। मान लीजिए कि ये कौन थीटा है तो समानता से ये भी थीटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये ऊपर का थीटा है तो ये नीचे का थीटा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब घटक तोड़े इसके, तो DE1 का एक घटक इधर और एक घटक इधर आएगा। ऊपर कोण दिया गया है तो DE1 cos थीटा और नीचे DE1 sin थीटा। DE2 का जो नीचे घटक आएगा वो आएगा DE2 cos थीटा, ऊपर जो घटक आएगा वो आएगा DE2 sin थीटा। तो जब आपने घटकों में तोड़ा तो जो ऊर्ध्व घटक हैं वो परिमाण में कैसे हैं? बराबर। और विपरीत दिशाओं में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे कल की तरह, और क्षैतिज आपस में जुड़ जाएंगे। पूरी प्लेट को अल्पांशों में बांट दूंगा तो वही परिणामी विद्युत क्षेत्र मुझे ओपी दिशा में बनने वाला है। आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो जो चीज मैंने कल कराई थी तार में वही मैं आज करा रहा हूं प्लेट में। अंतर केवल इतना है कि कल तार बना दिया था, आज क्या बना दी? प्लेट, और कोई अंतर नहीं है। आने वाली हेडिंग भी 100% एज इट इज है, इसलिए मैंने कहा था कि तार आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा देखिएगा एक बार ध्यान से। देखिए बच्चों, हेडिंग क्या है? अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट लेनी है और उस चालक प्लेट के कारण हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्लेट ले, वापस ध्यान से देख लो, लिखना आप कुछ नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल उसकी कॉपी कराने वाले हैं। सबसे पहले एक चालक प्लेट लीजिए, दौड़ देखिए, ये लो, ठीक है? चालक प्लेट का नाम मान लीजिए एबीसीडी, ठीक है? माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है, इस पर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है? तो चूंकि आवेश क्षेत्रफल फैला हुआ है इसलिए जो बात करूंगा आगे चल के वो सिग्मा की करूंगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, ठीक। मध्य बिंदु ले लीजिए कोई एक, ये इसका मध्य बिंदु ओ है, यहां से कुछ दूरी आर पर एक पॉइंट पी ले लीजिए जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्लियर? दो एडिंग हो जाएंगी, फर्स्ट रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने के लिए हम प्लेट पर मध्य बिंदु से ऊपर और जितना ऊपर उतना ही नीचे दो अल्पांश ले लेंगे, डी ए वन और डी ए टू। चूंकि दोनों ही अल्पांश पी से बराबर दूरी पर है तो
इसका विद्युत क्षेत्र इधर धक्का देगा और ये इसमें इधर धक्का देगा, तो जो इसका पहले डी ए वन का विद्युत क्षेत्र है वो डी ई वन हो गया इधर, और जो डी ए टू का है वो डी ई टू हो गया इधर। परिमाण डी ई वन का और डी ई टू का बिल्कुल बराबर है, क्योंकि आवेश कांस्टेंट है और डिस्टेंस बराबर है। जब इन तीव्रताओं को घटकों में तोड़ा जाएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, आएंगे दो घटक तो और दो घटक यहां आएंगे। सपोज ये एंगल थीटा है तो समानता के अधिकार से ये भी थीटा है, क्योंकि जो त्रिभुज जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। अब ये थीटा है तो ये थीटा है सीट सारी, और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो डी वन का ये घटक तो ऊपर जाएगा, चूंकि ऊपर कोण दिया गया है तो ऊपर घटक होगा डी वन कॉस थीटा, और नीचे घटक होगा डी वन साइन थीटा। इसी तरीके से डी टू का नीचे घटक होगा डी टू कॉस थीटा, और ऊपर घटक होगा डी टू साइन थीटा। पानी समझ में आई कि नहीं आई? ये वाले घटक ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण बराबर है, क्योंकि डी वन और डी टू बराबर है, दिशाएं कैसी हैं विपरीत, तो कैंसिल हो जाएंगे, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में हैं इसलिए जुट जाएंगे। दो अल्पांश आए हैं तो दो क्षैतिज घटक आ गए, अनंत अल्पांश हो जाएंगे तो अनंत क्षैतिज घटक जुट जाएंगे, तो जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा बच्चों वो आपका ओपी दिशा में आ जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी तो है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, बिल्कुल कल की कॉपी है, कल मैंने बहुत डीपली इसीलिए समझाया था, तो आप फटाफट हेडिंग लगे जल्दी से स्क्रीन पॉज करके गॉस के नियम का अनुप्रयोग में दूसरे हेडिंग डाल लें, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसमें लिखिए, चलो हेडिंग डाल के लिखिए। देखो माना माना एबीसीडी माना एबीसीडी अनंत विस्तार की माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है। माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है। माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें वही कल की लैंग्वेज है, थोड़ा फास्ट बोल दूं, है ना, हमें मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, माना एबीसीडी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। बोलने की स्पीड तेज रख सकता हूं क्योंकि कल मैंने तार पढ़ाया है बिल्कुल एज इट इज। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना लिखिएगा इसमें। चलो डायग्राम बना लो, पहले स्क्रीन पॉज करके ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करें, ईमानदारी पूर्वक खुद बना के देखें भाई, रफ में बना के देख लें पहले, फिर फेर कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, खुद बना के देखिए। आज सिर्फ परिवर्तन इतना है, तार ना होकर ये प्लेट है, अगर इस प्लेट को उठा के तार लगा दूं तो ये कल की हेडिंग बन जाएगी, इसलिए ये हेडिंग एक जैसी है आपस में ना।
चलो लिखो, डायग्राम बन जाए उसके बाद लिखिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्यबिंदु ओ से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्यबिंदु ओ से ऊपर व नीचे दो अल्पांश डी ए वन तथा डी ए टू की कल्पना करते हैं। बिल्कुल कल की लैंग्वेज है जिसमें डीएल वन और डीएल टू को डी ए वन डी ए टू कर दिया है। थोड़ा तेज बोल दो, आप कहो तो है, वो कल वाला पन्ना रख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु ओ से ऊपर व नीचे दो अल्पांश डी ए वन तथा डी ए टू की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम ओ से ऊपर व नीचे समान दूरियों पर दो अल्पांश डी ए वन और डी ए टू की कल्पना करते हैं, ठीक है। इन अल्पांशों के कारण, बिल्कुल कल वाली लैंग्वेज कॉपी कर सकते हो, इन अल्पांशों के कारण पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान, डी वन डी टू बराबर है ना, इन अल्पांशों के कारण पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान जबकि दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। इन अल्पांशों के कारण पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान तथा दिशाओं में चित्रानुसार होंगे ठीक है। माना एबीसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट हेडिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ओ से ऊपर व नीचे समान दूरियों पर दो अल्पांश डी ए वन और डी ए टू की कल्पना करते हैं। इन अल्पांशों के कारण पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान परिमाण और दिशाओं में चित्रानुसार है, ठीक है। आगे लिखो, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, एक ही बात है, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। तथा क्षैतिज घटक
एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इसी प्रकार संपूर्ण प्लेट को अल्पांशों में बांट दिया जाए, इसी प्रकार संपूर्ण प्लेट को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में प्राप्त होता है। संपूर्ण प्लेट को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में प्राप्त होता है। क्लियर है यहां तक? डायग्राम नहीं बनाया है तो आप डायग्राम बना लीजिए भाई। तो अब इसमें हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है ना। अभी हमने दिशा निकाली, बिल्कुल तार की तरह ही प्लेट की दिशा है। परिमाण ज्ञात कैसे करते हैं वो देखना बच्चों। परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें गाउस से प्रश्न मानना होगा, तो कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये वो प्लेट है, ठीक है, ये हमारी चालक प्लेट है जिसका नाम है ए बी सी डी। इस पर आवेश फैला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गाउसियन पृष्ठ मानने के लिए, तो एक्चुअल में ये एक मोटी परत है ऐसा समझिए आप। तो गाउसियन पृष्ठ मानने के लिए वो क्या करना होगा, वही बेलनाकार पृष्ठ है पर कुछ इस तरीके से, ये आप याद रखिए ना। अच्छा, ये बेलनाकार पृष्ठ हमने कैसे माना है, और आप थोड़ा समय आपको समझने में डाउट रहेगा, अच्छी तरह से देखना कि जैसे दीवार मान लेते हैं ना, दीवार हमारी प्लेट है और गाउसियन पृष्ठ ऐसा है कि कुछ भाग दीवार में धंसा हुआ है, ये अंदर है और ये ऐसा कहां है बाहर। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट मोटाई ए मान लीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए आप। तो इस गाउसियन पृष्ठ में भी तीन हिस्से नजर आएंगे आपको। एक तो ये बाहर का वृत्ताकार भाग नजर आएगा, इसका नाम दे दिया चलो हमने एस वन, बाहर का वृत्ताकार भाग। एक ये आंतरिक वृत्ताकार भाग नजर आएगा एस टू, और ये बेलनाकार भाग एस थ्री। देखो बेलन में तो हिस्से तो भाई तीन ही होते हैं ना, दो वृत्ताकार और एक बेलनाकार। पर जब तार में आपने बेलन बनाया तो वो बेलन ऊर्ध्वाधर था, कैसा था, ऊर्ध्वाधर। तो ऊपर का वृत्ताकार, नीचे का वृत्ताकार और बेलनाकार। अब ये क्षैतिज में रखा हुआ है, एक हिस्सा बाहर है और एक हिस्सा अंदर है, तो बाह्य वृत्ताकार भाग, आंतरिक वृत्ताकार भाग और बेलनाकार भाग। तीनों पर आपको ई वेक्टर और डीएस वेक्टर चाहिए, तो ये प्लेट धक्का देगी तीनों पर। एस वन पर धक्का कहीं इधर जाएगा, तो यहां आपका ई वेक्टर है। एस टू पर धक्का इधर देगा, आप तो यहां बैठे हो ना, एस टू पर धक्का इधर दोगे आप, तो ये आपका ई वेक्टर है। और एस थ्री पर धक्का आप इधर दोगे तो ये आपका ई वेक्टर है। आपने इस गाउसियन पृष्ठ के तीन हिस्से माने, कौन कौन से, बाह्य वृत्ताकार भाग, आंतरिक वृत्ताकार भाग और बेलनाकार भाग, एस वन एस टू और एस थ्री। तीनों पर आपने ई वेक्टर बना लिया प्लस आवेश से धक्का देकर के। अब रही बात है डीएस वेक्टर की,
तो भैया देखो बेलन का जो ये हिस्सा है, आप सामने से देखोगे इधर से तो आपको वृत्त नजर आएगा ऐसा, उसका डीएस सतह के लंबवत यानी कि एस वन पर डीएस वेक्टर यहां है, एस टू का डीएस खुद ही सतह के लंबवत, ये तो एस की सतह है, इधर ये डीएस वेक्टर, और बेलाकार की खुद की सतह के लंबवत यानी कि इधर डीएस वेक्टर। क्लियर? एस वन पर कोण जीरो है, एस टू पर कोण जीरो है, और एस थ्री पर कोण 90 है, ये दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कोण, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दोबारा समझते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के गाउसिय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि एक हिस्सा प्लेट के बाहर और दूसरा हिस्सा प्लेट के अंदर हो। इस गाउसिय पृष्ठ के तीन भाग हो गए, बाहरी वृत्ताकार भाग एस वन, इस पर ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है, आंतरिक वृत्ताकार भाग एस टू, इस पर भी ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है, और बेलनाकार भाग एस थ्री, इस पर ई वेक्टर डीएस वेक्टर परस्पर लंबवत है। अब इसमें आप गाउस का नियम लगा दीजिए, गाउस के नियम से। तो क्या पढ़ाया आपने गाउस के नियम में? क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट, ये तो गॉस का नियम है, क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया। अब चूंकि इस बेलन के तीन हिस्से हैं एस वन एस टू और एस थ्री, तो आप क्लोज इंटीग्रेशन को सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले एस वन के लिए E वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फिर एस टू के लिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फिर एस थ्री के लिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, सिग्मा क्यू, मान लीजिए इसमें कुल जो आवेश है वो क्यू है, अपॉन एप्साइलन डॉट। दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसा कि आपने तार में लगा था गॉस के नियम में, है ना? ठीक है, तो आपने गाउस का नियम लगाया, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रेशन को आपने एस वन और एस टू और एस थ्री के फॉर्मेट में तोड़ दिया। चलो आगे बढ़ाएं इसको, इंटीग्रेशन एस वन के लिए जब हम डॉट को खोलेंगे तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आएगा ईडीएस कॉस थीटा, और एस वन यानी सरफेस नंबर वन पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो यह बन जाएगा आपका ई डीएस कॉस जीरो। क्लियर है? इसी प्रकार एस टू वाली कंडीशन में भी कौन जीरो नजर आ रहा है, तो ईडीएस कॉस जीरो। फिर एस थ्री वाली कंडीशन में कौन 90 नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा ईडीएस कॉस 90 बराबर क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। भाई तार वाली स्थिति में कौन 90 और जीरो थे, यहां 0 0 90 जो है वो अपने हिसाब से रखा जाएगा। आगे बढ़ाते हुए ध्यान से देखिएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस जीरो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो और ई कांस्टेंट होता ही आपको पता है, तो इसका ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस वन के लिए डीएस, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। गाउस के पृष्ठ पर ई कांस्टेंट है तो ई कहां आ जाएगा? बाहर। और इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका? डीएस प्लस, ध्यान से देखिए जो एस टू वाला हिस्सा है, समझने वाली बात यहां है कि जो एस टू वाला हिस्सा है इसमें कॉस जीरो की वैल्यू तो बन है, पर ये एस टू वाला हिस्सा अंदर है, किसके अंदर है? चालक प्लेट के अंदर है, चालक प्लेट के अंदर है, और चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। कैसा भी चालक हो, किसी भी आकृति का चालक हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो ये वाला पार्ट भी जीरो होगा, किसकी वजह से? ई की वजह से। सोचिए कॉस जीरो वैल्यू कितनी है? 1। एस वन वाला तो बाहर है, ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, प्लस
एस टू वाले हिस्से में कॉस जीरो की वैल्यू तो वन है, यहां से जीरो नहीं हुआ ये, पर चूंकि जो एस टू वाला हिस्सा है वो चालक प्लेट के अंदर है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, जीरो, इसलिए यहां पर ई जीरो है और ई जीरो की वजह से ये वाला पार्ट जीरो हो गया, प्लस ये कॉस 90 जीरो होता है और जीरो की वजह से पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा, जीरो बराबर। रही बात क्योंकि तो आप उपयोग कर सकते हो सिग्मा का, यहां लिख दो आप चाहो तो बनी साइड में कि चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है, सिग्मा काम में क्यों लिया, क्योंकि जो आपका वितरण है वो पृष्ठीय है तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे ना, यहां से जो क्यू निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा ए, ठीक है, तो क्यू की जगह पर आप जमा दीजिए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर यहां तक। ई तो है ये यहां पर बाहर, पर इंटीग्रेशन डीएस है एस वन के लिए, और ध्यान से देखा जाए तो S1 है गाउसिय पृष्ठ की मोटाई या उसका अनुप्रष्ठ काठ, और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हमने जो गाउसिय पृष्ठ माना है उसका अनुप्रष्ठ काठ कैपिटल A मान रखा है, तो जो इंटीग्रेशन ds है S1 सरफेस के लिए वो कैपिटल A होगा, इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्साइलन नॉट, यानी A को कैंसिल कर दिया, तो जो तीव्रता निकल के आई चालक प्लेट की इंपॉर्टेंट वो है सिग्मा अपॉन एप्साइलन, चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है बच्चों वो निकल के आई है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। कहानी आपको यहां तक पूरी समझ में आ गई होगी, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आप चाहो तो, परिमाण ज्ञात करने के लिए मैंने प्लेट पर एक गाउसिय पृष्ठ मान रखा है जिसका एक हिस्सा बाहर है और एक हिस्सा अंदर है, तीनों पर मैंने पहले ई वेक्टर बनाया फिर डीएस वेक्टर डिजाइन किया, क्लोज इंटीग्रेशन लगाया एस वन एस टू एस थ्री में, ओपन कर दिया कौन जमाए, ये हिस्सा जीरो हुआ कॉस 90 की वजह से और ये हिस्सा जीरो हुआ क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है चालक प्लेट के अंदर है और चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो दो हिस्से जीरो हो गए, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएस एस वन के लिए उसका अनुप्रस्थ काट ए मान लिया और आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिए, हेडिंग लिखो आपस में सेकंड, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा देखो विद्युत, ऐसा करो पहले डायग्राम बना लो, स्क्रीन पॉज करके पहले ये वाला डायग्राम बनाना है ना, और ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिए, देखो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार कैपिटल ए अनुप्रस्थ काठ वाले विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार कैपिटल ए अनुप्रस्थ काठ वाले बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल ए अनुप्रस्थ काठ वाले बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इसका एक हिस्सा प्लेट के बाहर व दूसरा अंदर हो,
विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इसका एक हिस्सा प्लेट के बाहर व दूसरा अंदर हो, वह दूसरा अंदर हो। लाइन चेंज करिए, नीचे लिखें इस गाउसिय पृष्ठ के निम्न तीन भाग हैं। इस गाउसिय पृष्ठ के निम्न तीन भाग हैं। इस गाउसिय पृष्ठ के निम्न तीन भाग हैं। नंबर एक लिखिए बाह्य वृत्ताकार भाग। नंबर एक लिखिए बाह्य वृत्ताकार भाग। बाह्य वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S1। बाह्य वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S1 और इसमें लिख दो डैश लगा करके कि इस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। फर्स्ट है बाह्य वृत्ताकार भाग S1, इस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। सेकंड, नई लाइन में लिखें सेकंड आंतरिक वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S2, आंतरिक वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S2, इसमें लिखते हैं इस पर ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा ऐसा ना, फर्स्ट बाह्य वृत्ताकार भाग, इसमें लिखा आपने ई वेक्टर में डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। सेकंड आंतरिक वृत्ताकार भाग, इस पर भी ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। नंबर तीन, तीसरा लिखो बेलनाकार भाग, तीसरा लिखो बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग, इसमें लिखो इस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर परस्पर लंबवत है। इस पर ई वेक्टर व डीएस वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तीन हो गए ना, इसके बाद पूरा लिखते हैं बोर्ड से, ठीक है। स्क्रीन पॉज करें और गाउस के नियम से ऐसा लिखकर पूरा डेरिवेशन बोर्ड से लिख दें। तो आंसर आएगा आपका ये बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख लिया होगा ना। आगे देखिए, ध्यान से देखें तीव्रता दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए इसका, यहां तो ले लिया अपने दूरी r और यहां ले लिया अपने तीव्रता e, तो जब दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब यह है कि आप r को कितना ही चेंज कर लीजिए पर ई में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये ई और आर का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हेडिंग थी, ये थी अनंत विस्तार की आवेशित चालक परत के कारण, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की कॉपी, जस्ट सेम इसकी कॉपी, एक हेडिंग और है हमारे कोर्स में, परत चालक ना होकर अगर अचानक हो जाए, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर हम कुचालक प्लेट लें तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ध्यान से देखना। बिल्कुल इसकी कॉपी है, मात्र एक स्टेप का परिवर्तन है और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हमारा इसमें तीसरा अनुप्रयोग है बिल्कुल इसी कॉपी है, इसलिए इसको दोनों को संग बढ़ाता हूं मैं, वह अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। कुचालक प्लेट है तो क्या होगा, मैं समझा रहा हूं, लिखना आपको खुद को ही है इसको भैया ना, चालक की मैं कॉपी करके देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे एक अचालक प्लेट लेनी होगी, बिल्कुल एक जैसी है दोनों प्लेट है, ये लो,
ए बी सी डी, माना ए बी सी डी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है, बहुत बड़ी अचालक प्लेट रही होगी, उसका एक कोई स्मॉल पार्ट ले लिया हमने। प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। अब ये प्लेट बहुत पतली है अचालक में, वैसे तो आपका जो वितरण है वो आयतन के अनुदिश होना चाहिए, पर इस प्लेट का आयतन है ही नहीं है, कुछ इस तरह की कहानी है ये, तो इसमें जो आवेश जाएगा वो सतह पर ही जाएगा। ठीक है, हमें इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिल्कुल तीनों एक जैसी अड़ेंगे, चालक तार, चालक प्लेट और कुचालक प्लेट, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। तो माना ये भी सीढ़ी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा है। प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वही दो हेडिंग वापस से। पहली हेडिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे और फिर निकालेंगे परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरियों पर, जितना ऊपर उतना ही नीचे, दो अल्पांश DA1 और DA2 लेंगे। भाई आयतन की बात नहीं हुई, पतली होने की वजह से क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब दोनों ही अल्पांश P से समान दूरी पर हैं, इन अल्पांशों के कारण P पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो समान, भाई इसका विद्युत क्षेत्र DE1 मान लिया, इसका DE2 मान लिया, तो DE1 की वैल्यू परिमाण में तो DE2 के बराबर है, पर दिशाओं में चित्रानुसार भाई प्रतिकर्ष धक्का देगा ना, इस तरीके से होगी। अब चूंकि एक ही दिशा में नहीं है तो जुड़ेंगी नहीं, विपरीत नहीं है तो घटेंगी भी नहीं, भिन्न भिन्न दिशाओं में है, तो ऐसी कंडीशन में हम घटकों में वियोजन करते हैं। इस लाइन के ऊपर क्षैतिज घटक, इस लाइन के ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक, ये कौन है थीटा, तो ये भी कौन थीटा, ये थीटा तो ये नीचे का थीटा, ये थीटा तो ये ऊपर वाला थीटा। DE1 का एक घटक इस लाइन पर आएगा और एक घटक इस लाइन पर आएगा, ऊपर कौन दिया हुआ है, तो ऊपर DE1 cos थीटा और नीचे DE1 sin थीटा। इसी तरीके से DE2 है, नीचे वाला घटक DE2 cos थीटा और ऊपर वाला घटक DE2 sin थीटा। तो घटकों में तोड़ा तो ऊर्ध्वाधर घटक देखो परिमाण समान है, वही कहानी, दिशाएं विपरीत हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। पूरी प्लेट को अल्पांशों में बांट दें तो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में मुझे प्राप्त, कोई अंतर नहीं है, एक शब्द का अंतर है सिर्फ, चालक को अचालक लिख देना है। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखना आपको खुद को है, आप मिलान करना उसमें, अच्छा चालक वाली में क्या वो कितना चेंज करना है, सुनिए ध्यान से। माना ABCD अनंत विस्तार की, जो मैंने पहले चालक प्लेट बोला है उसको अचालक कर देना बस, अचालक परत का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उसमें दो हेडिंग हो जाएंगी वापस से, पहली हेडिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ये वाला डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सेम डायग्राम है, स्क्रीन पहुंच करके बना लीजिए या चालक प्लेट में देख के बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद लिखोगे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर, दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे दो अल्पांश DA1 और DA2 की कल्पना करते हैं, इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान, दिशाओं में चित्रानुसार होगा। जब इन तीव्रताओं को
घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। संपूर्ण प्लेट को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी क्षेत्र ओपी दिशा में प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां तक तो चालक परत और अचालक परत में कुछ भी अंतर नहीं है, तो आप वापस से जो चालक परत लिखा है उसी को कॉपी करके लिख लेंगे यहां तक, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, बिल्कुल इसी तरीके से परिमाण ज्ञात करने के लिए हम गांव से प्रश्न मानेंगे। सबसे पहले मैं एक अचालक प्लेट लेता हूं, ये लो, ये एबीसीडी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट का एक छोटा हिस्सा हो गया, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो गांव से प्रश्न मानना होगा, तो जैसे आपने चालक प्लेट में गांव से प्रश्न माना बिल्कुल सेम गांव से प्रश्न, उसका अनुप्रस्थ काट ये था और इसका भी अनुप्रस्थ काट यही होगा, ठीक है ना। सेम इसका एक हिस्सा प्लेट के बाहर और दूसरा प्लेट के अंदर होगा, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के बेलनाकार गाउस पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि एक हिस्सा प्लेट के बाहर और दूसरा प्लेट के अंदर है, यहां तक कहानी बिल्कुल सेम। इस गाउस पृष्ठ के भी तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा बाह्य वृत्ताकार भाग S1, आंतरिक वृत्ताकार भाग S2 और बेलनाकार भाग S3, तीनों पर आपको ई वेक्टर चाहिए, ये प्लस धक्का देगा, इस पर धक्का इधर ई वेक्टर, S2 पर धक्का इधर पड़ेगा ये ई वेक्टर और S3 में ये ई वेक्टर, ठीक है। बात करें DS वेक्टर की तो सतह के लंबवत, तो इसकी सतह के लंबवत बिल्कुल सेम पहले वाली कहानी है भाई, DS वेक्टर, ये इसका DS वेक्टर और इसका DS वेक्टर इसकी सतह के लंबवत, क्लियर है यहां तक। वापस हमें वही गाउस की प्रमेय इस्तेमाल करनी होगी, गाउस के नियम से, क्या कहता है गाउस का नियम, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये तो है बंद सरफेस के लिए। अब मैं इसको S1 और S2 और S3 के रूप में डिवाइड कर दूं तो क्लोज इंटीग्रेशन ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और फिर S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अगर इसको विस्तार में लिखें तो डॉट को खोलेंगे तो वही कॉस आएगा वापस से, S1 पर एंगल कितना है जीरो डिग्री, तो ये बन जाएगा E DS कॉस जीरो, S2 कितना बन जाएगा वही EDS कॉस जीरो और S3 कितना बन जाएगा EDS cos 90 बराबर Q अपॉन एप्साइलन नॉट। आगे देखिए cos 0 का मान कितना होता है 1 और E गाउस पृष्ठ पर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, E को बाहर निकाल लीजिए, S1 के लिए इंटीग्रेशन DS, यहां cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। देखो चालक प्लेट में चूंकि यह हिस्सा अंदर है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है इसलिए वहां यह जीरो हो गया था, पर कुचालक के अंदर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र अवश्य होता है,
तो अब ये हिस्सा जीरो होने वाला नहीं है, ये अंतर है दोनों में। ई कहां जाएगा इसका बाहर, और एस टू के लिए डीएस, और कॉस 90 की वजह से ये जीरो, ठीक है। और ये कहानी क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। चलिए ई इंटीग्रेशन डीएस एस वन के लिए इसका अनुप्रस्थ काट होगा एक तरीके से, और इसका अनुप्रस्थ काट कितना मान चुका हूं मैं ए, तो ए प्लस, ध्यान से देखो जितना अनुप्रस्थ काट एस वन का है उतना ही अनुप्रस्थ काट किसका है एस टू का, तो यहां भी कितना आएगा ए इज इक्वल टू क्यू को मैं सिग्मा का इस्तेमाल करते हुए सिग्मा ए जमा सकता हूं जैसा मैंने पहले किया है, और ये एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो यहां कितना बन जाएगा देखना, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ई और ई कितना होगा टू ई, तो यहां से जो ई निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर। चालक प्लेट में जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कुचालक प्लेट में जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ इसका भी बिल्कुल सेम ही होगा, यहां दूरी ले लीजिए और यहां तीव्रता, तो बिल्कुल ये वाली रेखा है, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि चालक प्लेट और कुचालक प्लेट दोनों हेडिंग बिल्कुल एक जैसी हैं, अगर दोनों में कहीं अंतर है तो इस एस टू वाले हिस्से में, चालक में ये जीरो हो जाता है और कुचालक में जीरो ना होकर ये बचा रहता है, तो ये डबल कर देता है तो नीचे दो आ जाता है, ठीक है। तो एक बार आप लैंग्वेज सुन लीजिए, कॉपी आपको चालक वाले में से ही करना है। दूसरी हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, ये डायग्राम बिल्कुल वही है, ये बना लेंगे आप स्क्रीन पहुंच करके। उसके बाद आप लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्र अनुसार कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट वाले बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इसका एक हिस्सा प्लेट के बाहर और दूसरा प्लेट के अंदर हो, ठीक है। इस गाउसिय पृष्ठ के तीन भाग हैं, पहला है बाहर का वृत्ताकार भाग S1, इस पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में है तो इनका कोण होगा जीरो डिग्री। दूसरा है आंतरिक वृत्ताकार भाग S2, इस पर भी E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में है तो यहां भी कोण होगा जीरो डिग्री। और तीसरा है बेलनाकार भाग S3, इस पर E वेक्टर और DS वेक्टर लंबवत है तो यहां कोण आएगा 90 डिग्री, ठीक है। गॉस के प्रमेय में लगाई क्लोज इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि हमने जो सिस्टम माना है वो बिल्कुल क्लोज है। फिर आप इसको S1, S2 और S3 के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ओपन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। S1 पर कोण जीरो, S2 पर कोण जीरो और S3 पर कोण 90। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर निकल गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि चालक प्लेट का आधा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। आपके गॉस के तीन अनुप्रयोग हो चुके हैं, पहला अनुप्रयोग था चालक तार, दूसरा है चालक प्लेट, और अब तीसरी है कुचालक प्लेट या अचालक प्लेट, एक ही बात है, ठीक है ना। बचे हुए दो अनुप्रयोग अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप इस, अच्छा ये जो अचालक परत की जो लैंग्वेज मैंने नहीं बोली है ये आपको चालक परत में से कॉपी करनी है। इस हिस्से को आप यहां से लिखोगे, इसमें एस टू वाला हिस्सा बचा हुआ है और वहां एस टू वाला हिस्सा कितना हो गया था जीरो, अंतर केवल एस टू वाले हिस्से में, बाकी चालक प्लेट और कुचालक प्लेट दोनों एक जैसी, ठीक है ना। तो आप यहां से लिख लो, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।